अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद आज से आपके लिए फर्स्ट ईयर इंग्लिश शुरू करने जा रहा है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो चैप्टर दिए हैं, हर चैप्टर का हम यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपकी समरी लिखेंगे आपके सामने। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये पहला जो है चैप्टर जो है, ये तीसरा चैप्टर है माई बैंक अकाउंट। इस सबक को मैंने पहले पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया है, अब उस सबक की मैं आपके सामने समरी लिख रहा हूँ। एग्ज़ाम में चूँकि आपको इसकी समरी लिखनी होती है, इस समरी से ही पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसको उर्दू में भी बताऊँगा आपको, जो कोई मुश्किल वर्ड होंगे तो वो भी बताऊँगा साथ में। तो चलें हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश जो है इसका एग्ज़ाम कहाँ से होता है? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से होता है। कराची बोर्ड का से ये पेपर होते हैं। तमाम स्कूल्स वाले स्टूडेंट जितने भी होते हैं बोर्ड से और जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं कराची बोर्ड से, वो सब याली यही इंग्लिश दे रहे होते हैं। जो टॉपिक जो किताब का चैप्टर नंबर तीसरा है, ये थर्ड है ये। तो शुरू करते हैं। द ऑथर, ये मैंने लफ्ज़ लिखा था ऑथर, आगे बढ़ा रहा हूँ, ऑफ दी The author of the story my bank account was always afraid afraid माने खौफ ज़्यादा होना, हमेशा वो always माने हमेशा खौफ ज़्यादा था। ऑथर माने मुसन्निफ ऑफ द स्टोरी, कहानी के मुसन्निफ, स्टोरी किसकी है? माई बैंक अकाउंट की जो कहानी है उसके मुसन्निफ जो है वो हमेशा जो है खौफ ज़्यादा रहता था। वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बैंकों से, बैंक्स, ड्यू टू देयर बिजी एंड इंटिमिडेटिंग एंड डेटिंग इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फियर माहौल की वजह से, एटमॉस्फियर माहौल को बोलते हैं। एटमॉस्फियर यहां तक मैंने जो लिखा है आपको बता देता हूं, मतलब मेरा बैंक अकाउंट कहानी का मुसन्निफ अपनी मसरूफियत और खौफज़दा माहौल की वजह से बैंकों से हमेशा खौफज़दा रहता था, ये लिखा है मैंने। द ऑथर ऑफ द स्टोरी माई बैंक अकाउंट वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बैंक ड्यू टू देयर बिजी एंड इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फियर। मेरा बैंक अकाउंट कहानी का मुसन्निफ अपनी मसरूफियत और खौफ ज़दा माहौल की वजह से बैंकों से हमेशा खौफ ज़दा रहता था। ठीक है, इंटीमीडेटिंग एटमॉस्फेयर माने खौफ ज़दा माहौल, इंटीमीडेटिंग एटमॉस्फेयर खौफ ज़दा माहौल है। दे आर बिज़ी माने अपनी मसरूफियत, ठीक है, ड्यू टू की वजह से, ठीक, वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बैंक से हमेशा खौफ ज़्यादा रहता था। मैंने एक एक वर्ड का मतलब बता दिया यहाँ पे। स्टोरी माने कहानी होती है,
ऑथर माने मुसन्निफ होता है, माई बैंक अकाउंट मेरा बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स हर मतलब यह बता रहा हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगे ये तो आपके सामने लिख रहा हूँ, लेकिन जो वर्ड आ रहा है हर एक का मतलब बता रहा हूँ। ड्यू टू का मतलब की वजह से, देयर उनकी बिजी मसरूफियत होती है, एंड इंटिमिडेटिंग खौफजदा एटमोसफियर माहौल, खौफजदा माहौल में, ठीक है ना, इंटिमिडेटिंग खौफजदा माहौल में, बैंकों से डरता था, खौफजदा अफ्रेड माने डरना, खौफजदा होना, ऑलवेज माने हमेशा, था माजी की बात कर रहे हैं। द ऑथर मुसन्निफ ऑफ द स्टोरी कहानी के, कहानी का मुसन्निफ जो है, माई बैंक अकाउंट कहानी का नाम है, माई बैंक अकाउंट मेरा बैंक अकाउंट ये कहानी है। कहानी का मुसन्निफ अपनी मसरूफियत और खौफजदा माहौल की वजह से बैंकों से हमेशा खौफजदा रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे इसको बार बार पढ़ दिया, हर वर्ड का मतलब बता दिया, समरी लिख रहा हूँ इसकी, यानी खुलासा। समरी माने खुलासा, सबक का खुलासा। सबक का नाम है माई बैंक अकाउंट। हाउ एवर बहरहाल या तहम, आहो एवर कॉमा लगेगा, मैं शायद से वर्ड जब आते हैं कॉमा लगता है। हाउ एवर तहम, ये बहरहाल भी बोलते हैं, तहम भी बोलते हैं। हाउ एवर When his salary, when माने जब, when his माने उसकी, his salary तनख्वाह को बोलते हैं, his salary, when his salary rose बढ़ गई है ना, इजाफा हो गया। rise की second form है rose, rose, rise माने बढ़ना, rose बढ़ गया, बढ़ गई जब उसकी salary $250 तक, टू माने तक, 50 डॉलर, $250, जब उसकी तनख्वाह, ताहम वैन, जब हिज माने उसकी, हिज सैलरी उसकी तनख्वाह रोज बढ़ गई टू $50 तक बढ़ गई। ही माने मुसन्निफ ही है, उसने फैसला किया, ही डिसाइडेड टू टेक अ बोल्ड स्टेप, उसने फैसला किया, टू टेक लेने का, टू टेक अ बोल्ड, बोल्ड माने बहादुराना, बहादुराना जो होते हैं, बोल्ड स्टेप माने इकदाम, होल स्टेप इकदाम होता है, एंटर्ड अ बैंक, बैंक में दाखिल हुआ, एंटर अ बैंक, एंड एंटर दाखिल हुआ अ बैंक, एक बैंक में। टू ओपन किस लिए किया है, टू ओपन खुलवाने के लिए, ओपन माने खुलवाना, टू ओपन खुलवाना, एन अकाउंट, एक अकाउंट खुलवाने के लिए, एन ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या इसमें क्या, मैंने एक वर्ड का मतलब तो आपको बता दिया यहाँ पे, लेकिन इसका मफहूम भी बयान कर देता हूँ जो मैं लिखा है सेंटेंस का। यहाँ से मैंने लिखा है हाउएवर, ताहम जब इसकी तनख्वाह $50 तक पहुंच गई, हाउएवर व्हेन हिज सैलरी रोज टू $50, जब इसकी तनख्वाह $50 तक पहुंच गई, तो इसने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाने का फैसला किया, ही डिसाइडेड टू टेक अ बोल्ड स्टेप, जुर्रत, बोल्ड माने जुर्रतमंदाना एकदम, तो उसने एक जुर्रतमंदाना कदम, स्टेप माने कदम उठाने का, एक जुर्रतमंदाना कदम उठाने का, रोज, एंड एंटर अ बैंक, तो उसने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाने का फैसला किया और एक अकाउंट खोलने के लिए एक बैंक में दाखिल हुआ, एंड एंटर अ बैंक, एक बैंक में दाखिल हुआ, टू ओपन एन अकाउंट, एक अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है।
दोबारा पढ़ दो, पढ़ दे। द ऑथर ऑफ द स्टोरी माई बैंक अकाउंट वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बैंक ड्यू टू देयर बिजी एंड इंटीमिडेटिंग एटमोसफियर फुल स्टॉप हाउ एवर कॉमा वैन हिज सैलरी रोज टू $50 कॉमा ही डिसाइडेड टू टेक अ बोल्ड स्टेप जरूरतमंदाना कदम एंड एंटर अ बैंक और बैंक में दाखिल हुआ टू ओपन एन अकाउंट। तो इसका मफहूम मैं बयान कर देता हूँ, जो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू, इसके ऊपर ये इस सेंटेंस में मैंने ये बताया है कि मेरा बैंक अकाउंट कान्ही का मुसन्निव अपनी मसरूफियत और खौफजदा माहौल की वजह से बैंकों से हमेशा खौफजदा रहता था, ताहम जब इसकी तनख्वाह $50 तक पहुँच गई तो उसने एक जरूरतमंदाना कदम उठाने का फैसला किया और अकाउंट खोलने के लिए एक बैंक में दाखिल हुआ। यहाँ तक लिखा है मैंने, आगे चलते हैं। ही आस्क टू मीट द मैनेजर टू मीट माने मिलना, आज माने पूछना, उसने पूछा टू मीट मैनेजर मिलने के लिए, टू मीट दी मैनेजर इन प्राइवेट विच सरप्राइज विच माने जो या जिससे विच जिसने सरप्राइज हैरत ज़दा, ये गलत हो गया, एस यू आर सर पी आर आई एस ई डी सरप्राइज द मैनेजर मैनेजर एंड मेड हिम सस्पिशियन एंड मेड हिम सस्पिशियस शक वगैरह में मुब्तला होना, शख्स से देखना सस्पिशियस, ये सेंटेंस मैंने यहाँ से शुरू कर दिया यहाँ तक का, ठीक है। मतलब बताता हूँ मैं आपको, इसमें लिखा है ही आस्क्ड टू मीट द मैनेजर इन प्राइवेट, उसने मैनेजर से अकेले में मिलने को कहा, ही आस्क्ड मैंने कहा टू मीट द मैनेजर इन प्राइवेट अकेले में मिलने से को कहा, ठीक है, जिस पर मैनेजर सरप्राइज माने हैरान रह गया एंड मेड हिम सस्पिशन और इसे शक हो गया, एंड मेड हिम सस्पिशियस शक हो जाना और उसे शक हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बता दिया है। इसके अंदर हर वर्ड, इसने मैनेजर से अकेले में मिलने को कहा जिस पर मैनेजर हैरान रह गया और इसे माने मैनेजर को शक हो गया। चले आगे चलते हैं, हाउ एवर तहम लुकिंग हाउ एवर तहम वैन दी ऑथर एक्सप्रेस हिज डिजायर, एक्सप्रेस माने इजहार करना, एक्सप्रेस हिज डिजायर अपनी ख्वाहिश का इजहार करना, DESI ख्वाहिश होती है, डिज़ायर टू ओपन खोलने की, टू ओपन
एन अकाउंट, एन अकाउंट माने एक खाता, दी मैनेजर एज्यूम माने समझा, मैनेजर एज्यूम किया उसने, फर्ज किया, समझा अपने आप को, एज्यूम समझ लिया कि ही वाज, मैनेजर ने ये समझ लिया कि वो ही वाज अ वेल्दी अमीर, अब वेल्दी, वेल्दी अमीर को बोलते हैं, वेल्दी मैन अमीर आदमी है, मैन हु वांटेड जो चाहता था, हु वांटेड टू डिपॉजिट जमा कराना, तो डिपॉजिट आ लार्ज, एक बड़ा अमाउंट, अ लार्ज सम ऑफ मनी, बड़ी रकम जमा कराना चाहता था, लार्ज सम माने मजमुआ ऑफ मनी, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लिखा है ये नेक्स्ट सेंटेंस आपका, हाउ एवर से, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, तहम जब मुसन्निफ ने अकाउंट खोलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैनेजर ने फ़र्ज़ किया कि वो एक अमीर आदमी है जो बड़ी रकम जमा करना चाहता है, तहम हाउ एवर, तहम तहम जब मुसन्निफ ने यानी ऑथर ने अकाउंट खोलने की ख्वाहिश का इजहार किया, एक्सप्रेस इज डिज़ायर इजहार किया, तो मैनेजर ने फ़र्ज़ किया कि वो एक अमीर आदमी है जो बड़ी रकम जमा करना चाहता है। तो ये पैराग्राफ की पूरी जो है आपकी मैंने ट्रांसलेशन कर दी है, हर वर्ड का मतलब बता दिया है, कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसका मतलब मैं नहीं बताया हो। सेकंड पैरा की तरफ चलते हैं हम, सेकंड आफ्टर, After getting all necessary, after getting माने करना, after getting all the necessary, तमाम ज़रूरी, all the necessary माने ज़रूरी, तमाम ज़रूरी information, आफ्टर गेटिंग लेने के बाद, ऑल दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, दी ऑथर रोट अ चेक, रोट अ चेक फोर सिक्स डॉलर्स, डॉलर्स बट मिस्टेकनली मिस्टेकन, लेकिन गलती से रोड उसे लिख दिया 56 डॉलर्स, डॉलर्स इसमें बता रहे हैं के तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करने के बाद मुसन्निफ ने 6 डॉलर का चेक लिखा, लेकिन गलती से 56 डॉलर लिख दिया, लिखा तो वो 6 डॉलर का था लेकिन वो लिख दिया गया है 56 डॉलर, 56 डॉलर लिख दिया उसके ऊपर, लिखना 6 डॉलर था, जितने जमा कराए थे 56 डॉलर वो उसने पूरा 56 डॉलर लिख दिया,
क्लर्क्स क्लर्क्स वर सरप्राइज, ये बैंक के क्लर्क थे वर सरप्राइज, हैरान हो गए, वर सरप्राइज एंड स्टॉप रोक दिया, एंड स्टॉप रुक गए, एंड स्टॉप राइटिंग लिखना छोड़ दिया, रोक दिया, राइटिंग माने लिखना, राइटिंग एंड द होल बैंक एंड द होल बैंक और पूरा बैंक, होल माने पूरा, होल बैंक, इको गूंज उठी आवाज़, इको माने गूंजना, इको गूंज उठ गई, उठी थी विथ लाफ्टर, हंसी तेज हंसी के साथ आवाज़ गूंज उठी, इको विद एल ए यू जी एच टी ई आर, लाफ्टर माने हंसी। ये मेरा पैराग्राफ हो गया, मैं पढ़ के बताया था आपको। तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करने के बाद मुसन्निफ ने $6 का चेक लिखा, लेकिन गलती से $56 लिख दिया। जब क्लर्क ने पूछा कि क्या वो अकाउंट बंद करना चाहता है, मुसन्निफ ने सर हिलाया अपनी गलती की वजाहत करने से कासिर रहा। क्लर्कों ने हैरान होकर लिखना छोड़ दिया और पूरा बैंक कहकों से गूंज उठा। आफ्टर गेटिंग ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन द ऑथर रोट अ चेक फॉर $6 बट मिस्टेकनली रोट $56, गलती से $56 लिया। वैन द क्लर्क ये मैं इसको काटता हूँ, ये यहाँ पे शूट नहीं कर रही बात। वैन द क्लर्क्स आज जब क्लर्कों ने पूछा, वैन द क्लर्क्स आस्क इफ ही वांटेड, क्या वो चाहता है, वांटेड टू क्लोज, बंद करना, टू क्लोज द अकाउंट अकाउंट द ऑथर मुसन्निफ दी ऑथर यानी मुसन्निफ यानी अकाउंट खुलवाने वाला, ये किताब को सबक लेने वाले को मुसन्निफ बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऑथर नोडेड, सर हिलाया उसने, एंड नोट माने सर हिलाना होता है, नोट माने फर्स्ट फॉर्म है नोट, सर हिलाना, सर हिलाया, डबल डी ई डी पास्ट हो गया उसका, नोडेड अनएबल टू एक्सप्लेन, सिर्फ सर हिलाया लेकिन एक्सप्लेन करने के लायक नहीं था, अनएक्सप्लेन नोडेड अनएबल टू एक्सप्लेन unable to, next page चलते to explain his mistake, अपनी गलती को वजाहत करना, अपनी गलती की हिज मिस्टेक, द क्लर्क्स वर सरप्राइज, हैरान हुए थे सर वर सरप्राइज एंड स्टॉप और रोक दिया, रुक गए, स्टॉप राइटिंग लिखना,
लिखना है, उन्होंने स्टॉप कर दिया एंड द होल एंड द होल बैंक इको इकोड विद लाफ्टर LAUGHER लाफ्टर ने कह के गूंज उठा, कह को से गूंज उठा। ठीक है, इसकी मैं आपको पूरी उर्दू जो मैंने लिखा है बता देता हूँ। पैराग्राफ की तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करने के बाद मुसन्निफ़ ने $6 का चेक लिखा, लेकिन गलती से $56 लिख दिया। चेक पर उसने गलती से लिखना $6 था, लिख दिया $56, $56 लिख दिया। जब क्लर्क ने पूछा कि क्या वो अकाउंट बंद करना चाहता है, जब क्लर्क ने मुसन्निफ़ से पूछा कि क्या वो अकाउंट बंद करना चाहता है, क्योंकि उसने जितने पैसे जमा कराए थे डॉलर के उतने ही का चेक लिख दिया निकालने के लिए, तो मुसन्निफ़ ने सर हिलाया, उसने नोडिट ने उसने सर हिला दिया। जब बैंक उसने पूछा कि आप बंद करना चाहते हैं अकाउंट को, उसने कह दिया सर हिला दिया, बोला कुछ नहीं सर हिला दिया। अपनी गलती की वजाहत करने से कासिर रहा और ये वजाहत नहीं करी कि मैंने गलती से $6 लिखना था, 56 लिख दिया, ये नहीं कहा, बस ये सर हिला दिया उसकी बात का। अपनी गलती की वजाहत करने से कासिर रहा, क्लर्कों ने हैरान होकर लिखना छोड़ दिया। क्लर्क जो हैरान हो गए और अपना लिखना छोड़ दिया और पूरा बैंक कहकों से गूंज उठा, उनके लिए लतीफा बन गया था ये, कहकों से गूंज उठा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दी स्टोरी हाइलाइट्स हाईलाइट द ऑथर्स ऑथर्स फियर खौफ, खौफ को बोलते हैं फियर। फियर माने बोलते हैं खौफ को, डर को, खौफ ऑफ फियर ऑफ बैंक्स, बैंक का खौफ। एंड हिज अटेम्प्ट और उसकी कोशिश, एंड हिज अटेम्प्ट ATTEMPT अटेम्प्ट टू ओवरकम, बचने के लिए टू ओवर कम, मैं ट्रांसलेट करता हूँ इस बात को, ओवर कम इट, ठीक है। यहाँ तक मैंने सेंटेंस लिखा है ये पूरा, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ आपको। कहानी मुसन्निफ़ के बैंकों के खौफ और इस पर काबू पाने की कोशिश को नुमाया किया गया है, नुमाया करने को बोलते हैं हाइलाइट्स। ठीक है, स्टोरी कहानी होती है, दी ऑथर मुसन्निफ़ होता है, खौफ फेयर ऑफ बैंक, बैंक का खौफ होता है, एंड हिज अटेम्प्ट उसकी कोशिश टू ओवरकम, उसको ये मिलना है ओवरकम इट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इट आल्सो शोज shows it also shows the danger dangers of making mistakes mistakes when dealing with money when dealing
विद मनी, डीलिंग विद मनी स्पेशली इन अ बैंक सेटिंग, इन अ बैंक सेटिंग फुल स्टॉप। अच्छा जी, यहां तक मैं पढ़ता हूँ। द स्टोरी हाईलाइट द ऑथर्स फियर ऑफ बैंक्स एंड इज अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट कोशिश बोलते हैं टू ओवर कम बचने को बोलते हैं इससे बचने के लिए। इट आल्सो शोज द डेंजर्स, ये जाहिर करती है कि ये भी जाहिर करती है कि डेंजर खतरात को बोलते हैं ऑफ मेकिंग मिस्टेक, गलती करने के व्हेन डीलिंग विद मनी, जब पैसों की डीलिंग कर रहे हो तो स्पेशली खास तौर खुसूस तौर पर इन अ बैंक सेटिंग के अंदर, बैंक सेटिंग में बैंक की तरतीब में। ठीक है, कहानी मुसन्निफ के बैंकों के खौफ और इस पर काबू पाने की कोशिश को नुमाया किया गया है, हाईलाइट किया गया है। ये रकम से निमटने के दौरान गलतियों के खतरात को भी जाहिर करता है खास तौर पर बैंक की तरतीब में। ठीक है, ओवरऑल मजमूई तौर पर ऑल दी स्टोरी, स्टोरी इज अ कॉशनरी, इज अ कॉशन होता है CAUTI कॉशन अरी कॉशनरी री टेल, कहानी होती है टेल अबाउट the important अहमियत about the importance of being careful, मुहतात रहने की, of being careful and vigilant, होशियार रहना है, विजिलेंट व्हेन डीलिंग विद फाइनेंशियल मैटर, ये मजमूई तौर पर कहानी माली मामला से निमटने के दौरान मोहतात और चौकस रहने की अहमियत के बारे में एक एहतियाती कहानी है। ओवरऑल मजमूई तौर पर स्टोरी इज अ कॉशनरी टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग केयरफुल, मोहतात रहने की, एंड विजिलेंट व्हेन डीलिंग विद फाइनेंशियल मैटर। मजमू तौर पर कहानी माली मामला से निमटने, डीलिंग को बोलते हैं निमटने से निमटने के दौरान मोहतात, केयरफुल को मोहतात, और चौकस विजिलेंट बोला, चौकस रहने की अहमियत के बारे में एक एहतियाती कहानी है। ठीक है ना, कॉशनरी टेल यानी एहतियाती कहानी, कॉशनरी टेल बोलते हैं एहतियाती कहानी को। तो स्टूडेंट्स, ये थी समरी जो फर्स्ट ईयर भले कॉमर्स हो, फर्स्ट ईयर साइंस हो, या फर्स्ट ईयर जो है आर्ट्स हो, उसमें तो कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है कराची बोर्ड के सिलेबस के तहत, कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी इंटरमीडिएट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के सिलेबस के में जो इंग्लिश रखी गई है कंपलसरी सब्जेक्ट, उस इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का 3rd टॉपिक चैप्टर है ये,
जिसका मैंने आपके सामने एक समरी मैंने खुलासा बयान किया है, जो इम्तहान के अंदर आता है खुलासा लिखने के लिए, उस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का होता है, इसलिए मैंने उसका आपके सामने खुलासा लिखा और एक ग्लव्स का मतलब बताता गया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म होगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल है इंग्लिश मास्टर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे स्टूडेंट को शेयर्स करें, और जो मुश्किल हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स पे लिखें, और उसका किस तरह फीडबैक है, आपकी तरफ फीडबैक भी आना चाहिए इसके ऊपर कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।